Assalamualaikum friends, please subscribe to our channel Only Foodie and for latest updates, please click the bell icon. Assalamualaikum viewers, मैं निदा and welcome to my channel Only Foodie. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और एनर्जेटिक किस्म के फ्राइड पोटैटो कटलेट्स जो बहुत ही क्रिस्पी होंगे और टेस्ट में बहुत ही मज़े के होंगे और बहुत क्विक बनने वाले हैं. ये आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं. तो इनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता दूं. मैंने 3 अदद जो हैं आलू लिए हैं, ऑरिगेनो हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 पिंच, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगी काली मिर्च और नमक जो है वो हम टेस्ट के मुताबिक डालेंगे या 1/2 टीस्पून आप इसमें नमक डाल सकते हैं. सबसे पहले हम करेंगे कि हम ये कद्दूकश करने वाला ले लेंगे और हमने तीनों आलूओं को अच्छे से जो है वो कद्दूकश करना है. इस तरीके से हम लेके आलू जो है तीनों उनको हम कद्दूकश कर लेंगे. इस तरह से हमने जो है सारे आलू जो हैं उनको कद्दूकश कर लिया है. से आगे जैसे रमज़ान आ रहा है आप सहरी में भी इसको हाफ फ्राई अंडे के साथ लें, ये बहुत ही आपको मज़ा देगा. तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं. हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हमें चाहिए दरदरी हुई लाल मिर्च, अनुसार हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून और ऑरिगैनो आप इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चुटकी. हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. हम इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो आलू हैं वो ही पानी छोड़ेंगे और उसी पानी के अंदर जो है ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे. सारे स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए मिक्सचर को छोड़ देंगे. ऑयल लेंगे फ्राइंग के लिए. ये मिक्सचर हमारे पास है, आपने क्या करना है कि इसको हाथ से इस तरह से दबाना है, उठा के हल्का सा इसको यूँ दबाना है ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें पानी है वो निकल जाए. ये हाथ से दबा के पानी निकाल दें इसका, ठीक है. और उसके बाद जो हमारे पास पोटैटोज़ हैं उनको आप इस तरह से बस हल्का सा आपने दबाना है. इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं आती है, ये इसी तरह होता है. इस तरह से आप इसकी शेप बनाएं जिस तरह से भी ये बनता है और इसी तरह हम इसको फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए हमने शेप दी थी जो अपने पोटैटो कटलेट को, अब उसको हम जो है फ्राइंग के लिए डाल देंगे. इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे. बड़ी एहतियात से आपने इसको पलटना है. हमने इनको तब तक के लिए फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. हमारे क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो कटलेट जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं. अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ब्राउन जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं. अब मैं आपको जो है इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी. हमारे क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं. उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी. आप इसको किसी भी डिप, स्पाइसी डिप, बारबेक्यू सॉस, केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको एक स्पाइसी डिप बनाना सिखाया था जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आप इसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं. आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस रेसिपी को. उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी. अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल ओनली फूडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ.